हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स सो आज हम इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस का सेकंड टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है रिसेंट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ट्रेड सो लास्ट वीडियो में हम ट्रेंड हमने देखे इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन फाइनेंसिंग सो उसमें हमने पूरा बैकग्राउंड डिटेल में डिस्कस किया है सो वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ डिपेंड ऑन इकनॉमिक ग्रोथ ऑफ़ वर्ल्ड इकनॉमी रिलेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज़ इंटरनेशनल लिक्विडिटी एंड डिफरेंट फोरम्स विच आर वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ़ फॉरन ट्रेड सो जो हम सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड है और इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिसकी वजह से जो इकनॉमिक ग्रोथ है वर्ल्ड की वो भी डिपेंडेंट होती है उस पर इंक्रीज़ इन वर्ल्ड ट्रेड हैज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज़ ऑफ़ द वर्ल्ड सो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड रिलेशनशिप होते हैं जितने वो पॉजिटिव होंगे उतने ही जो वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमीज होती हैं उनकी ग्रोथ होगी और वर्ल्ड ट्रेड की भी ग्रोथ होगी इमर्जिंगनॉमीज़ लाइक चाइना एंड इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन फैसिलिटेटिंग द फास्टर टर्न अराउंड ऑफ ग्लोबल इकनॉमी जो आज कल के डेवलपिंग और इमर्जिंग इकनॉमीज़ हैं वो चाइना एंड इंडिया है जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल इकनॉमिक की ग्रोथ में सो so, इसका डिटेल्ड जो हमने इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड है वो लास्ट वीडियो में देखा है आप चेक कर सकते हैं सो so, अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड में आजकल क्या ट्रेंड्स हैं कैसे पहले था और उसके कंपैरिजन अब वर्ल्ड ट्रेड में क्या चेंजेस आए हैं तो फर्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द ईयर 1950 वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट्स वर ओनली 55 बिलियन डॉलर्स एंड इन द ईयर टू थाउजेंड एट दीज इंक्रीज टू सिक्सटीन थाउजेंड एंड नाइन्टी नाइन बिलियन डॉलर्स इट मीन्स दैट इन दीज फिफ्टी एट ईयर्स वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इंक्रीज टू नाइन्टी टू टाइम्स सो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड यहाँ पे हमने कंपेयर किया है कि 1950 में वर्ल्ड ट्रेड सिर्फ 55 बिलियन डॉलर्स का था लेकिन 2008 में ये इंक्रीज़ हुआ है सिक्सटी थाउजेंड एंड नाइन्टी नाइन बिलियन डॉलर्स तो 58 एट में जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट है उसमें टू नाइनटी टू टाइम्स इंक्रीज़ आए उछाल आए द मेन रीज़न फॉर इंक्रीज़ इन वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट इज़ रिडक्शन इन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स मल्टी लेटरल ट्रेड इम्प्रूवमेंट इन मींस ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांस ट्रांसपोर्टेशन हाइक इन ऑयल प्राइसेस एक्सेट्रा सो वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऐसे ग्रो या इंक्रीज कैसे हुआ है उसके मेजर रीजन्स है कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स में रिडक्शन आया है जैसे कि हम जानते हैं कहीं पर भी हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगे होते हैं टैरिफ बैरियर्स जो मोनेट्री बैरियर्स लगे होते हैं जैसे कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ नॉन टैरिफ बैरियर्स जो कि स्टैंडर्ड से रिलेटेड होते हैं और और रीजंस हैं मल्टीलेटरल ट्रेड मल्टीलेटरल ट्रेड मतलब कि डिफरेंट इकोनॉमीज डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड्स इंप्रूवमेंट इन मींस ऑफ कम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट वायरलेस कनेक्शंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाइक इन ऑयल प्राइसेस की वजह से जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट है उसमें उछाल आया सेकेंड इज टॉप एक्सपोर्टर्स इन मर्केंटाइजिंग दैट इज गुड्स वर्ल्ड ट्रेड इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेल्व द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड ट्रेड वॉज चाइना इट शेयर इन टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज़ इलेवन पॉइंट वन परसेंट सो अगर हम टू थाउजेंड ट्वेल्व तक का डेटा देखें तो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री चाइना थी जिसका टोटल शेयर है पूरे वर्ल्ड एक्सपोर्ट में इलेवन पॉइंट वन परसेंट द टॉप फाइव एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना यू एस ए जर्मनी जापान एंड नीदरलैंड्स द शेयर ऑफ दीज फाइव बिग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ़ गुड्स इज़ थर्टी फाइव परसेंट सो ये जो टॉप फाइव एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं इनका जो इंटीग्रेटिड या हम कह सकते हैं कलेक्टिव जो परसेंटेज है एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स में वो है थर्टी फाइव परसेंट एंड इंडियाज़ रैंकिंग इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज़ नाइनटीन्थ इट्स शेयर इन टोटल वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट इज़ जस्ट वन पॉइंट सिक्स परसेंट सो अगर हम इंडिया का रैंक देखें तो ये नाइनटीन नंबर पर आता है और इसका जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट में परसेंटेज है वो सिर्फ वन पॉइंट सिक्स परसेंट है थर्ड इज़ टॉप इम्पोर्टेंस इम्पोर्टर्स इन मर्केंटाइजिंग गुड्स वर्ल्ड ट्रेड सो अभी हमने एक्सपोर्टर्स देखा अब हम इम्पोर्टर्स देखते हैं इन टू थाउजेंड ट्वेल्व द लार्जेस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टर इन वर्ल्ड ट्रेड वॉज यू एस शेयर इन वर्ल्ड इम्पोर्ट्स वॉज़ टू पॉइंट सिक्स परसेंट सो जो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है वो है यू एंड उसकी जो परसेंटेज है वर्ल्ड्स इम्पोर्ट्स में वो है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स परसेंट इंडियाज रैंकिंग इन वर्ल्ड्स इम्पोर्ट इज़ टेन परसेंट इट्स परसेंटेज इन वर्ल्ड्स इम्पोर्ट इज़ जस्ट टू पॉइंट सिक्स परसेंट सो जो इंडिया का रैंक है इंपोर्टिंग में वो है टेंथ एंड उसका परसेंटेज है टू पॉइंट सिक्स परसेंट वर्ल्ड्स फाइव बिग इंपोर्टर्स आर चाइना जर्मनी यू एस ए जापैन एंड यू के द कम्बाइंड शेयर ऑफ दीज फाइव कंट्रीज इन वर्ल्ड्स इम्पोर्ट इज़ थर्टी सेवन पॉइंट टू परसेंट सो इन सब का कलेक्टिव या कम्बाइंड जो शेयर है इम्पोर्टिंग में वो थर्टी सेवन पॉइंट टू परसेंट है फोर्थ इज़ वर्ल्ड ट्रेड इन सर्विसेज तो जो सर्विसेज हैं आजकल वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में सो so, उसमें क्या ट्रेंड्स हैं वो देखते हैं सर्विस सेक्टर मेनली इंक्लूड्स ट्रैवल टूरिज़्म बैंकिंग इंश्योरेंस टेली बिजनेस आउटसोर्सिंग दैट इज़ कॉल सेंटर्स आई टी सर्विसेज कंसल्टेंसी मीडिया सर्विसेज़ सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा सो ये सब चीज़ें सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होती हैं द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसज़ इज़ यू एस एंड इट्स अलोन शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट इन सर्विसेज इज़ फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट सो जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर्विसज़ का वो है यू एस ए एंड उसके अकेले का शेयर है वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट में फोर्टी फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट द फर्स्ट फाइव एक्सपोर्टर्स आर यू एस ए जर्मनी फ्रांस एंड चाइना इंडियाज रैंकिंग इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज़ सेवन परसेंट एंड इज शेयर इन एक्सपोर्ट इन सर्विसेज इज़ थ्री पॉइंट टू परसेंट सो जो इंडिया की रैंकिंग है सर्विसज को एक्सपोर्ट करने में वो सेवन परसेंट है और उसका अकेले का सेवनथ है एंड जो उसका अकेले का परसेंटेज है वो है थ्री पॉइंट टू परसेंट फिफ्थ इज एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज अमंग डेवलपिंग कंट्रीज द टॉप फाइव कंट्रीज़ इन वर्ल्ड ट्रेड आर चाइना ताइवान, कोरिया एंड सिंगापुर. देर कंबाइंड शेयर इज अबव फिफ्टी परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक्सपोर्ट में क्या ट्रेंड है सो हमने देखा कि जो टॉप फाइव डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका अकेले का शेयर है फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा इन दयर टू थाउजेंड ट्वेल्व ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट वज़ टू पॉइंट एट परसेंट वायल इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज दिस ग्रोथ रेट वॉज़ फोर पॉइंट नाइन परसेंट सो जो ग्रोथ रेट है वर्ल्ड एक्सपोर्ट का वो है टू पॉइंट एट परसेंट और जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट है फ़ोर पॉइंट नाइन परसेंट द शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट वाज फोर्टी नाइन परसेंट इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेल्व सो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनका जो शेयर है टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट में वो फोर्टी नाइन परसेंट था सिक्सथ इस कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कंपोजिशन मीनिंग हम बोल सकते हैं डिजाइन सो अर्लियर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वॉज कंफाइंड टू ट्रेडिशनल गुड्स लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्यूल और टेक्सटाइल एसेट्रा बट नाउ देर इज अ शिफ्ट इन द कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सो जो पहले का वर्ल्ड ट्रेड था उसमें मेनली जो ट्रेडिशनल uh, गुड्स थे जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्यूल्स टेक्सटाइल एक्सेट्रा वो सब इंक्लूड होते थे बट जो अब ये कंपोजिशन है ये डिज़ाइन है ये स्ट्रक्चर है जो वर्ल्ड ट्रेड का उसमें कुछ शिफ्ट आया है अ डेज ट्रेड इन सर्विसेज लाइक बैंकिंग सॉफ्टवेयर शिपिंग टेली ट्रैवल टूरिज़्म एसेट्रा इज़ इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट सो आजकल जो वर्ल्ड ट्रेड होता है उसमें ट्रेडिशनल गुड्स के साथ साथ सर्विसज़ का और भी चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन है या ट्रेड है वो फास्टर रेट से बढ़ रहा है सो द कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ चेंजिंग एंड शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज इज़ एक्सपेंडिंग एट अ फ़ास्टर रेट देन शेयर ऑफ ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम्स सो जो अब शिफ्ट आया है कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में उसमें जो इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी फास्टर रेट पर इंक्रीज़ हो रहे हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल आइटम्स सेवेंथ इज ग्रोथ ऑफ रीजनल ब्लॉक्स इन वर्ल्ड ट्रेड सम ऑफ़ द लीडिंग ट्रेड ब्लॉक्स हैव इम्प्रूवड देयर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड सो जो ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं वो कुछ एसोसिएशंस होती हैं कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जिसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड है उसमें इंक्रीज आ रहा है द शेयर ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशंस एसेकटर सो ये कुछ हमारे रीजनल ब्लॉक्स हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बाय द एंड ऑफ जनवरी टू 583 regional trade agreements were notified while about three hundred and seventy seven RTAs were in force. So two thousand fourteen May five eighty three regional trade agreements or उसके बाद थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन आर टी एस जो थे वो फोर्स में थे मतलब कि वो उस टाइम पर एक्टिव थे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिज रीजनल ब्लॉक्स इज़ टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड सो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फ्री ट्रेड की कम से कम जो जो ट्रेड है उसमें कम से कम बैरियर्स हो और ईजिली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके डिफरेंट कंट्रीज़ में या जिस कंट्री के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है नेक्स्ट इज शिफ्ट फ्राम बायोलेटरल ट्रेड टू मल्टी लेटरल ट्रेड अर्लीयर अप टू द ईयर नाइनटीन नाइन्टी फोर वर्ल्ड ट्रेड वॉज मेनली बायोलेटरल सो बायोलेटरल का मीनिंग है कि सिर्फ दो ही कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता था वर्ल्ड ट्रेड को लेकर लेकिन जो मल्टी लेटरल ट्रेड है उसमें दो से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकती हैं वर्ल्ड ट्रेड के लिए विद द ग्रोथ इन डब्ल्यू टी ओ देर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम बायो टू मल्टी लेट्रल ट्रेड एट प्रेजेंट देर आर वन फिफ्टी नाइन मेम्बर नेशंस इन डब्ल्यू टी ओ सो इफ एनी एग्रीमेंट इज़ फाइनलाइज एट द प्लेटफॉर्म ऑफ डब्ल्यू टी ओ दैन इट इज़ एप्लीकेबल साइमल्टेनियस टू वन फिफ्टी नाइन कंट्रीज सो जो ये डब्ल्यू टी ओ आया था फोर्स में तो उसके बाद वन फिफ्टी नाइन नेशंस हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं तो अगर कोई भी नए रूल्स पॉलिसीज एग्रीमेंट कुछ भी होता है तो ये वन फिफ्टी नाइन कंट्रीज़ जो कि मेंबर नेशंस हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं नाइन्थ इज शिफ़्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड टू फ्री ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड वो होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगे होते हैं टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं लेकिन जो फ्री ट्रेड होता है उसमें कम से कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं अर्लियर वेरियस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस वर इंपोज ऑन वर्ल्ड ट्रेड दीज रेस्ट्रिक्शंस वर इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट कोटाज कस्टम ड्यूटीज डिस्क्रिमिनेटरी ट्रांसपोर्ट चार्जेस वॉलंट्री इम्पोट इम्पोर्ट कंस्ट्रेंट्स लाइसेंस सिस्टम सब्सिडीज एक्सेट्रा बट नाउ एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू टी अब टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड हैव बीन रिड्यूस्ड एंड एबोलिस्ड एंड लास्ट बट नो द लिस्ट राइजिंग ट्रेड इन एशियन नेशंस एशियन कंट्रीज हैटली बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सो जो एशियन कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वो एक मेजर सेंटर बन चुका है वर्ल्ड ट्रेड का जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी पड़ा था कि इंडिया भी अब वर्ल्ड ट्रेड में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है इन द ईयर 2011, थाउजेंड इलेवन द शेयर ऑफ एशियन नेशंस इन वर्ल्ड ट्रेड वॉज थर्टी सिक्स परसेंट सो इन ईयर टू थाउजेंड इलेवन जो एशियन नेशंस का वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन था वो था थर्टी सिक्स परसेंट अमंग द टॉप फोर इकोनमीज इन वर्ल्ड ट्रेड इन टर्म्स ऑफ जे डी पी बेस्ड ऑन पी 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 मेथड थ्री एशियन नेशंस आर चाइना इंडिया एंड जापान आर रैंकड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली जैसे कि हमने कहा डेवलपिंग जो इकनॉमीज हैं एशियन नेशंस हैं जो वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सो तो उसमें मेजर थ्री हैं इंडिया जापान एंड चाइना जिनका शेयर है चाइना का है सेकेंड रैंक इंडिया का है थर्ड रैंक एंड जापान का है फोर्थ रैंक सो so, इस तरह से जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड है वो पहले के कंपैरिजन अब बहुत ग्रो कर रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड का शेयर बढ़ चुका है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस कम हो सकी अ, सकी हैं जो डेवलपिंग नेशंस है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं so, सो स्लाइड से हमें ये पता लगता है सो थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू